पिछली बार हमने ये डिस्कस किया था कि आपको पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवीज क्यों देखनी चाहिए और उससे आपको क्या जानने और सीखने को मिलेगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की बात करें और जैक स्पैरो की बात ना करें। कप्तान जैक स्पैरो ज्यादा बेहतर है। हाँ हाँ ठीक है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणब और आज हम बात करने वाले हैं कैप्टन जैक स्पैरो के बारे में, जहाँ मैं आपको बताऊंगा कैप्टन जैक स्पैरो की लाइफ से 5 ऐसे लेसन्स जो कि आपकी लाइफ में बहुत काम आएंगे। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। इस दुनिया में ज्यादातर लोग जिनसे आप मिलेंगे वो या तो स्टूपिड होंगे या स्मार्ट, या स्टूपिड होते हुए भी स्मार्ट होने का दिखावा करेंगे। बट कैप्टन जैक स्पैरो ऐसा नहीं है। वो बाहर से स्टूपिड होने का दिखावा करेगा, जबकि अंदर ही अंदर वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके नए प्लान्स और स्ट्रेटेजीज बनाता रहेगा। और यही कैप्टन जैक स्पैरो से मिली पहली सीख भी है। अब ऐसा करने से आखिर फायदा क्या होगा? तो अगर आपने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की मूवीज देखी हैं, तो आप जानते होंगे कि जैक कैसे हमेशा स्टूपिड जैसे बिहेव करता रहता है, जिसकी वजह से उसके आसपास के लोग उसके अराउंड इनसिक्योर फील नहीं करते, और इसी का फायदा जैक स्पैरो उठाता है। क्योंकि लोग उसके आसपास इनसिक्योर फील नहीं करते, इसलिए अनजाने में ही वो जैक के सामने अपने प्लान्स को रिवील कर देते हैं, जिसका फायदा अल्टीमेटली जैक को ही होता है। अब ये ट्रिक इतनी सिंपल है, फिर भी लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि अपने आप को स्टूपिड दिखाना किसी को भी पसंद नहीं, उससे उनकी ईगो हर्ट होती है। बट क्योंकि ये बहुत काम की ट्रिक है, आपको इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। कैप्टन जैक स्पैरो से जो दूसरा लेसन हमें मिलता है वो है फोकस ऑन योर जॉब, नॉट ऑन अदर्स। अब इसे अदरवाइज मत लेना कि सिर्फ अपने बारे में सोचना तो स्वार्थी लोगों का काम होता है, ये अच्छा कैसे हो सकता है? नहीं मेरे दोस्त, मैं इसे उस पर्सपेक्टिव से बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो यह है कि आप अपने काम पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ना कि इस बात पर कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। अब देखो, हम इंसानों के अंदर एक बहुत बुरी आदत होती है, हमें अपने काम से ज़्यादा इस बात में इंटरेस्ट होता है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। बट जैक स्पैरो ऐसा नहीं है, वो बस इसी बात पे फोकस करता है कि उसे क्या चाहिए और क्यों चाहिए और वो चीज़ वो हासिल कैसे कर सकता है। उसे इस बात से बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता कि एलिजाबेथ और विल टर्नर के बीच क्या चल रहा है, या बूटस्ट्रैप बिल को कैसे छुड़ाना है, या उसके साथ उसके जहाज में कौन कौन लोग हैं। कैप्टन जैक स्पैरो की यही क्वालिटी उसे इतना कैरिज्मेटिक बनाती है, और अगर आप इस क्वालिटी को सक्सेसफुली अडॉप्ट कर लेते हैं तो ये आपको भी कैरिज्मेटिक बना देगी। जो तीसरी सीख हमें जैक स्पैरो की लाइफ से लेनी चाहिए वो दरअसल एक सीख नहीं बल्कि एक ऑब्जर्वेशन है। आप जब भी जैक को देखते होंगे आपको लगता होगा कि वो कितना मनमोजी इंसान है, अपनी धुन में मस्त रहता है। बट जो आप नहीं देखते वो ये है कि उसके इस मनमोजी और सेल्फिश स्वभाव के पीछे एक अच्छा आदमी छुपा हुआ है। अगर आप जैक की स्टोरी को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप भी ये जान पाएंगे कि कई बार जैक ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कुछ भी हो जाए, बट अंदर ही अंदर उसे फर्क पड़ता है। फिर चाहे वो विल हो या एलिजाबेथ हो या उसका दोस्त गिब्स, जैक हमेशा उनकी फिक्र करता है और हमेशा उन्हें बचाने की कोशिश करता है, बस वो जताता नहीं है। कोइंसिडेंटली हम सबकी जिंदगी में भी डिट्टो ऐसी पर्सनालिटी वाले एक कैरेक्टर हैं जिन्हें हम कभी समझ नहीं पाते हैं, और वो हैं आपके पिता। जी हाँ, एक बार सोच कर देखिए, आप भी इससे रिलेट कर पाएंगे। जैक स्पैरो की लाइफ से जो चौथा लेसन हमें मिलता है वो दरअसल एक लाइफ हैक है, जो कि आपके लाइफ में बहुत काम आएगी सक्सेस और हैप्पीनेस पाने में, और वो है फोकस ऑन फ्यूचर बट ऑलवेज लिव इन द प्रेजेंट। जैक स्पैरो को ये हमेशा पता होता है कि उसे क्या चाहिए और वो उसे पाने की कोशिश करता रहता है, बट इसके साथ साथ वो अपने प्रेजेंट मोमेंट को भी कम्प्लीटली इंजॉय करता है। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग या तो फ्यूचर के बारे में सोच सोच के परेशान होते हैं, या वो अपने प्रेजेंट मोमेंट में इतना खो जाते हैं कि अपने फ्यूचर के बारे में सोचना ही भूल जाते हैं, जो कि
दोनों ही बातें गलत है। वजह इसके हमें भी जैक की तरह बनना चाहिए। फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, उसकी प्लानिंग कीजिए, बट उसके साथ साथ अपने प्रेजेंट मोमेंट को भी इंजॉय कीजिए। और जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपकी लाइफ में भी सक्सेस और हैप्पीनेस बढ़ जाएंगे। कैप्टन जैक स्पैरो जितने भी इक्विपमेंट्स यूज करता है उन सब में सबसे अनोखा है उसका कॉम्पस, जो कि किसी एक डायरेक्शन में नहीं बल्कि उस डायरेक्शन में पॉइंट करता है जिस तरफ आपकी मंजिल है और वहां आपको जाना चाहिए। अगर देखा जाए तो कैप्टन जैक स्पैरो जैसा कंपास हम सबके पास है, हमारे दिमाग में, जो कि हमें हर पल उस डायरेक्शन में जाने के लिए कहता है जहां हम दिल से जाना चाहते हैं। बट हम लोग अपने इस स्पेशल कंपास को छोड़ के हमेशा सोसाइटी के कंपास को फॉलो करते हैं, जो कि बस एक ऑर्डिनरी कंपास है और वो हर किसी को एक ही डायरेक्शन दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आपका टैलेंट सिंगिंग हो, बट आप अपने मन को फॉलो ना करके सोसाइटी को फॉलो करते हैं और अंत में आप या तो एक इंजीनियर या डॉक्टर बन के रह जाते हैं। तो कैप्टन जैक स्पैरो से मिली पांचवी और आखिरी सीख यही है कि फॉलो योर कंपास एंड टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। तो दोस्तों, ये थे कैप्टन जैक स्पैरो की लाइफ से पांच ऐसे लेसंस जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी लाइफ डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे एक लाइक दे दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और तो और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं फ्यूचर में ऐसे ऑसम एडुटेनमेंट वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ मैं हाईली एक्टिव रहता हूँ। अब मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, और तब तक के लिए अच्छी मूवीज़ देखिए, उनसे लेसन सीखिए एंड बी द बोरिंग सुपर हीरो।